Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. गाइज, फेब्रुवरी का मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बस कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं और मार्च का मंथ शुरू हो जाएगा। ऐसे में काफ़ी सारे लोगों को ये जानने में इंटरेस्ट होता है आने वाले मार्च के महीने में कौन से नए नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे और उसके साथ कौन सी नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है, नया स्मार्टफोन कब लेना चाहिए या फिर पुराने स्मार्टफोन से नए स्मार्टफोन पर कब अपग्रेड करना चाहिए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको अपने ज़मीर से पूछने चाहिए, मतलब अपने आप से पूछने चाहिए। सबसे पहली चीज़, कोई भी स्मार्टफोन एक परफेक्ट स्मार्टफोन नहीं होता है, चाहे आप कितना भी महंगा स्मार्टफोन क्यों ना लो। दूसरी चीज़, बार बार नया स्मार्टफोन लेने से किसी की जिंदगी ना बदली है और ना ही बदलने वाली है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है नए स्मार्टफोन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन अच्छे जा सकते हैं, फिर वही ज़िंदगी में वापस लौट के भी आना है। मतलब बार बार नया स्मार्टफोन लेने से अच्छे दिन तो नहीं आते हैं, बदले में आपके मेहनत के कीमती पैसे ज़रूर से बर्बाद हो जाते हैं। तो मन में सवाल ये आता है, नया स्मार्टफोन कब लेना चाहिए? तो अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरा पुराना स्मार्टफोन एग्जिस्टिंग जो स्मार्टफोन है वो ठीक तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं गेमिंग करता हूं तो क्या मैं एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन के ऊपर ठीक तरीके से गेमिंग खेल पा रहा हूं या फिर लैग होता है। मतलब आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते हो उस पर लैग या फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो एक वैलिड रीजन होता है नया स्मार्टफोन लेने के लिए। लेकिन अगर आप कोई भी काम करते हो वो ठीक तरीके से हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी नया स्मार्टफोन लेने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं, उनको इसलिए नया स्मार्टफोन लेना होता है क्योंकि नए फीचर्स आ गए हैं, उसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हैं, 65 वोट की फास्ट चार्जिंग है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, इसकी वजह से उनको नए स्मार्टफोन पे अपग्रेड करना है। तो ये एक वैलिड रीज़न नहीं है नया स्मार्टफोन लेने के लिए। ज़रूरत पेश होने पर नया स्मार्टफोन लेना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर आपको आपके मेहनत के कीमती पैसे बचाने हैं, फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, तो ये सब चीजों पर फोकस करना चाहिए। नया स्मार्टफोन लेने की बजाय कोई ऐसी जगह पे आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपको एक अच्छा सा रिटर्न मिल सके। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से बताइए। इस वीडियो को आप उसी पर्पस के साथ देखना, टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है और आने वाले मार्च के महीने में कौन से नए नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो है Xiaomi की तरफ से Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro। ये स्मार्टफोन मार्च के एंड में या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में चाइना में लॉन्च हो जाएंगे और उसके कुछ ही दिनों के बाद ये फोन इंडिया में भी लॉन्च होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं Redmi Note 9 की, तो यहाँ पर दो अपडेट सामने निकल कर आई हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है डिज़ाइन को लेकर। यहाँ पर रियर साइड पे सर्कुलर शेप में क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा और फ्रंट साइड पे वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले होगी। इसके अलावा फोन के राइट हैंड साइड पर वॉल्यूम रॉकर बटन और लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे देखने को मिलेगी। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो है प्रोसेसर को लेकर। ये फोन में हमें Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो रिसेंटली Qualcomm ने लॉन्च किया है। तो ये दो अपडेट सामने निकल कर आई हैं Redmi Note 9 को लेकर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं Redmi Note 9 Pro की, तो यहां पर लीक्स के अकॉर्डिंग फ्रंट साइड पे पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा Samsung Galaxy A51 में हमें पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिली थी, तो कुछ इस टाइप की डिस्प्ले देखने को मिलेगी Redmi Note 9 Pro में। लेकिन जो फर्क होगा वो होगा डिस्प्ले पैनल को लेकर। यहां पर मोस्ट प्रोबेबली IPS पैनल यूज किया जाएगा, ऐसा लीक्स कंफर्म करती हैं, और ये डिस्प्ले 60Hz या तो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस को लेकर Xiaomi अपनी Note सीरीज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अब तक की ये सबसे बड़ी लीक है। इस फोन में हमें देखने को मिलेगा Dimensity 800 चिपसेट जो कि MediaTek का एक लेटेस्ट चिपसेट है और ये 5G इनेबल चिपसेट है। अगर इसे आप कंपेयर करते हैं Qualcomm के किसी चिपसेट के साथ तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं Qualcomm Snapdragon 765G के साथ। ये प्रोसेसर काफी हद तक Dimensity 800 से सिमिलर है। ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसे क्लॉक किया गया है 2.0 GHz क्लॉक स्पीड पर। अगर ये प्रोसेसर Xiaomi
ऑफर कर देता है तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि ये प्रोसेसर पावरफुल भी है और 5G को भी सपोर्ट करता है, तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro की। बाकी दोस्तों अगर मुझे कोई और अपडेट मिलती है इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में तो मैं आपको जरूर से अपडेट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगला जो स्मार्टफोन है वो है Realme की तरफ से, जो कि है Realme 6। ये फोन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। इस फोन की जो खास बात है वो है पंच होल डिस्प्ले, और वो भी 10 से 12 हजार रुपए की रेंज में। और अच्छी बात तो ये है, लीक्स के अकॉर्डिंग यहां पर आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 710 प्रोसेसर। ये मिड रेंज प्राइस पॉइंट का प्रोसेसर है, लेकिन अब आपको ये प्रोसेसर बजट सेगमेंट में देखने को मिलेगा, और वो भी 10 से 12 हजार रुपए के प्राइस रेंज में। अगला जो स्मार्टफोन है वो है Infinix S5 Pro। ये फोन का भी काफी सारे लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फोन इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा 10,000 रुपए के प्राइस रेंज में फुल व्यू डिस्प्ले और पॉपअप एलिवेटिंग सेल्फी कैमरा। लीक्स के अकॉर्डिंग यहां पर आपको मिलेगा MediaTek Helio P35 चिपसेट। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है इस फोन के बारे में तो मैं आपको जरूर से अपडेट करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगला जो स्मार्टफोन है वो है Xiaomi की Mi 10 सीरीज। Xiaomi की Mi 10 सीरीज के लिए काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं, और ये फोन ऑलरेडी BIS वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब ये फोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होगा। रिपोर्ट्स की माने तो ये फोन मार्च के मंथ में कभी भी इंडिया में लॉन्च हो सकता है। यहाँ पर आपको 6.67 इंच की 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो होगी 1120 निट्स। जनरली क्या होता है, 600 से 800 निट्स तक जो ब्राइटनेस होती है वो काफी ब्राइट डिस्प्ले मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर Xiaomi 1120 निट्स की ब्राइटनेस ऑफर करने वाला है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कितनी ब्राइट डिस्प्ले होगी इस फोन की। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और जो बेस वेरियंट है वो 8GB रैम से स्टार्ट होगा और UFS 3.0 का स्टोरेज का टाइप होगा। वहीं अगर हम बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो 4780 mAh की बैटरी होगी, और साथ में 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग, और जो प्रो वेरिएंट है उसमें 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। अगर हम बात करें एंटूतु स्कोर की तो 5,85,000 के आसपास इसका एंटूतु स्कोर है, और इसके अंदर LPDDR5 RAM का यूज किया गया है। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। अगला जो स्मार्टफोन है वो है Oppo Reno 3 Pro। ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है Oppo की तरफ से। इसमें आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर, और ये एक ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है जिसकी प्राइस 40,000 के आसपास रह सकती है। अगला जो स्मार्टफोन है वो है Xiaomi की तरफ से 108 मेगापिक्सल वाला Mi Note 10। ये फोन के दो ऐसे फीचर हैं जो बाकी Xiaomi के फोन से अलग हैं। एक है इस फोन की डिस्प्ले और दूसरा है इस फोन का पेंटा कैमरास का सेटअप। अगर आप इस फोन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी इसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, ये तो हम सब जानते हैं। बाकी जो प्राइस निकल के आ रही है वो है 25,000 से 30,000 के बीच में ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा। अगला जो स्मार्टफोन है वो है OnePlus की तरफ से OnePlus 8 सीरीज। ये सीरीज में आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होगा OnePlus 8 Lite जिसकी प्राइस 28,000 के आसपास होगी। दूसरा जो स्मार्टफोन होगा OnePlus 8 जिसकी प्राइस 38,000 के आसपास होगी, और तीसरा जो स्मार्टफोन है OnePlus 8 Pro जिसकी प्राइस 45,000 के आसपास होगी। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन जो आपको मोस्ट प्रोबेबली मार्च के मंथ में देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों आप बताइए आप कौन से स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हैं, और अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो वो भी आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।